बड़े फार्म आउंदे ने हुण ते जिमींदारां नूं कम ही है कि दो दो चार चार किले लै के पानी खलारेआ है ते विच सच्च रहियां ने मच्छियां, उन्हां वास्ते मौज मेला बनिया है। ओह भावें डुब जाण नहीं। अच्छा मेरा भरा सी ना छोटा, मेरे तो भाई मेरा। हां जी सुना लो जिन्नियां अपनियां भैन भरावां दियां गल्लां सुनाने जिन्ना सुना लो। अब्बू हजे नहीं बैठे, बाद चो नहीं जी उन्हां ने तुहानूं सुनांदे, उन्हां ने सारी गल्लां फड़ लैणियां। अस्सलामुअलैकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज मैं वो सीरीज़ लेके आया हूँ जो साल में एक दफ़ा हम करते हैं। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि भाई पहाड़ों से थल्ले उतर आओ तो अम्मी अबू नाल पिंड निकल जाओ। और इस दफ़ा मेरा टूर ही बड़े लंबे हो गए, मैं काफ़ी अरसा रह के आया हूँ और 4 महीनों में मेरे हार्डली 2-4 दिन ही हर महीने गुजरे हैं लाहौर में। तो खैर अब फाइनली हम घर आ गए हैं। घर जैसे ही आए हैं तो अब्बा जी पहले से मुंतज़िर थे कि चलो चलिए पिंड, तो हम आज गाँव आ गए हैं और हम सुबह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और आज जो है वो माँ जी के हाथ का खाना खाना था, मैंने आपको भी दिखाना था कि आज हम क्या खा रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम अपने ही गांव में आए हैं, लेकिन जगह आज हम डिसाइड कर रहे हैं कोई और, क्योंकि वो वाले मामू का जो है खेत, उनका जो डेरा है, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा की हैं रिकॉर्डिंग्स। तो आज मैंने कहा हम गाँव की दूसरी साइड पर चलते हैं, वहाँ पर चल के देखते हैं क्या सिलसिला है। तो वो भी बड़ी प्यारी जगह है, इस वक्त हम वहीं पर खड़े हुए हैं। तो माँ जी की प्रोग्राम है 2 महीने की सारियाँ गर्मियाँ पहाड़ां च रहिंदा है। मेरी जान जिहड़ी बस अद्धी को निकली हुंदी है कि या अल्लाह खैर नाल आए खैर नाल जाए। हर टाइम पढ़दी रवांदी है फी मानुल्लाह, जिथे जिथे पहाड़ां ते चढ़दा ते अल्लाह अकबर। पर माँ जी अज मैं उपर जा रहा वां, अल्लाह अकबर मैं घर बैठी पढ़दी रही हाँ। मेरे नबी दी हदीस है कि अल्लाह अकबर पढ़दे सन जदों उचाई ते जांदे सन। आया खैर नाल ते बड़ी खुश सां, मैनूं समझ नहीं सी लगदी। जिस दिन सौना सी बच्चियां दूसरियां बेटियां मेरियां पुछदियां सन मां ते अज इन्हें जिमें जमीन ते पैर ही नहीं, तो बस गले लग के माँ पुत्र फिर रोना शुरू हो गए। अभी सीन ये है कि पाकिस्तान के जो मेरे वीलॉग्स हैं वो आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। एक चित्राल की रीजन रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा। और अब हम ग्रिप ऑन ट्रिप में इस सीरीज़ के बाद लेके आएंगे इंटरनेशनल एपिसोड्स। तो हूँ मैं अजी पहाड़ों से घट ही जावांगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो मेन रीजन है मालम जब्बा, शोगरा, कश्मीर और नथिया गली, ये मैं आपको गर्मियों में और सर्दियों दोनों में दिखा चुका हूँ जो मेजर हैं। तो हुन नॉर्थ का तो कुछ दिखाने वाला नहीं रहा, तो लिहाजा अब हम अपने गांव आए हैं। ये वो चीज़ है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं आपको बताता हूँ। और ये वो वक्त है जो सबसे कीमती है मेरे लिए। तो माँ जी आज की खुआंदे की प्यो सानू मच्छी चावल। माँ जी खगा मछली के चावल के साथ बड़ा अच्छा शोरबे वाला सालन बनाती हैं और चावलों के साथ बड़ा मज़ा आता है। लेकिन असी फिर मैं ख्याल सोल या रोई खावांगे, ठीक है। तो पहले चल के मेरा ख्याल वही काम कर लिए, हमने नाश्ता किया था और वॉक हमने बहुत ज़्यादा कर ली है। तुहानू पता फिर मैंने भुख बहुत छेती लगती है। चलिए फिर इंशाल्लाह। हाँ मच्छी मिल जाएगी, 12 महीने बांग्लादेशी खांदे ने। बांग्लादेशी खांदे ने ना, मिलदी कित्थों है। साडा भी शुरू हो गया सीजन। चलो आ जाओ फिर दरिया दी मच्छी लियाना। दरिया वड़ जावां? नहीं तू क्यों वड़ना, वह बड़े उन्हें बनाए होंगे ने। दरिया की ताज़ी मच्छी होंगी है, बड़ी मज़ेदार पकती है। वह जायका ही होर होंगे। लाहौर तो होर किन्ने दिन बाद आती है। पिंड के नाल ही एक होर पिंड है, उत्थे भी फार्म ने एडे एडे वड्डे, उधरों नहीं लैनी। बड़े फार्म आउंदे ने हुण ते जिमींदारां नूं कम ही है कि 2-4 किले लै के पानी खलारेआ है ते विच सच्च रहियां ने मच्छियां, उन्हां वास्ते मौज मेला बनिया है। ओह भावें डुब जाण नहीं, बड़ी बड़ी मच्छी पड़दे ने, बड़ा बिजनेस है मच्छी दा। पर तू दरिया दी लिआउणी है। ठीक है जी, मैं एक पहला ट्यूब लैना जाके नहाण वाली, फिर मैं जाके फाड़ लेना। नहीं उथों हुंदे ने हर दिन दे। आप चेक करें, तफसील चेक करें, बट्टा दी मां है कि फिश जी ना, फिश फार्म उथों नहीं लियानी, अगे हैड ते जाएगा उत्थे फड़दे होणगे, उथों लैके आनी है। चलो ठीक है, मैं लैना जाके ते तुसीं फिर करो सैटअप रेडी। हमारे गांव से जो है कादराबाद का रास्ता है वो तकरीबन है 25-30 मिनट का। तो यहाँ पे फ़िश सीज़न शुरू हो गया है, बल्कि अभी 10-15 दिन तक फुल फ्लैज शुरू होगा। अभी सदरन पंजाब की चल रही है फ़िश, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा है सिलसिला। तो हमने क्योंकि फ़िश फार्म से नहीं लेनी, मेरी कोशिश है कि हम लोग जाएँ हेड के ऊपर जाएँ और वहाँ से मछली लेके आएँ दरियाई और उसकी वीडियो भी बनाएँ। तो बस फटाफट चलते हैं क्योंकि भूख मैनू बहुत लगी है। और आज हमने खाना है वैसे भी मछली चावल, माँ जी की स्पेशल डिश है, ये बहुत अच्छा बनाती हैं। जी तो कादराबाद में आ गया हूँ। माँ जी ने कहा था कि मच्छी उथों लेके आनी है तो ताज़ी लेके आनी है, और हमने दरिया में से ये मछली पकड़ी है जैनवन। और यहाँ पे एक पूरी फ़िश मार्केट है, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं, इसके अंदर ये रहते भी हैं और लोग जो आते हैं यहाँ पे खाना खाने उनके लिए भी ये हट्स हैं, फैमिली हट्स हैं। बड़ी प्यारी जगह है। इस सारे इलाके का हम ड्रोन शॉट्स व्यू लेते हैं क्योंकि ये जो नहर है इसके पीछे एक बहुत बड़ा फार्म है, उसका कलर ग्रीन है, नहर का पानी जो है वो मटियाला है और सारा लैंडस्केप जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। उतनी देर में हमारी मछली बन जाती है। अच्छा जी, काम शुरू करिए। आज बहुत सोहनी लोग आ रही है, बहुत सोहना सारियां तैयारियां करो बार। कोई गल नहीं, मक्खियां पिंड दी सुगाते भी। हां, मीठे में आज हमने मक्खियां बनाई। हां अच्छा, ऐसे ऐसे केला ठोक लिए, आटा स्केल ठोक के ऐसे चीज़ा टांग लेने आप। नहीं कोई बात नहीं, थल्ले रहन। अच्छा ले आ, मैंने बर्तन फटाफट कर दे। अब्बा जी गायब हो गए ने, वो कहते हैं तुसी गड्डी ते चलो ते मैं पैदल आना वा। किधर जाना सी उन्होंने? नहीं, वो तेरे मामू के नाल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हुन मच्छी धोनी है, चावल धो के की करना है? पहला चावल धो लेने ने 10 मिनट, ठीक है, उस तो बाद चावल ते मच्छी खवानी है तेन बेहतरीन करके, ठीक है, जिस तरह मैं बचपन च बना रही सी। अच्छा, मेरा भरा सी ना छोटा, मेरे तो भाई मेरा। हां जी, सुना लो जिन्नियां अपनी भैन भरावां दियां गल्लां सुनाने जिन्ना सुना लो। अब्बू हजे नहीं बैठे, बाद चो नहीं जिन्ना तुहानूं सुनांदे नहीं, उन्होंने सारी गल्लां फड़ लेणियां तुहाडी सारी। लोग सुनांदे ते लोग आखदे इन्हां मियां बीवी दा ते ससुराल नाल इन्ना प्यार है, इंज ना कर। ओह ते पिंड आके बड़े खुश ने ते अपने सारे सारियां नाल। हां बस, मैं नहीं कदी मैंने तोले। हां नहीं बहुत ने, इन्हां सब तो पहलां भेज दिओ। साफ सुथरी तू खल लुआ ली है, वेखो हुण वैसे मैं खल वाली पकानी हुंदी सा, अज मैनूं पहला तजर्बा है, अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखे। ते उथों मच्छी लैके आए ने ते बड़ी प्यारी मच्छी आई है, और नाल तस्वीरां भी आईयां मच्छी दी, बहुत प्यारी मच्छी है। वेखो हुण दा जायका की निकलदा है। लै वे उमर की इन्हां नूं उथों उल्टा के आओ, मैं कहा शायद पीना पीना नहीं। और ऐसी मच्छी दी हर बंदा, हर इंसान, हर औरत, हर कोक जड़े ने ना अपनी अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो अच्छ शोरबे वाली मच्छी के नाल चावल खिलाने हैं। लो माँ जी, नमक तो नहीं लगा मच्छी? नहीं माँ जी, नमक नहीं लाया उन्हें। लहसुन अदरक का पेस्ट था और उसके बाद टमाटो पेस्ट था। अब उसमें सारे मसाले हमारे ऐड हो रहे हैं, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी। तो माँ जी आप भी भुल गए ने केड़े लैके आए सन ते केड़े कड्ढने ने? नहीं सारे याद ने मैनू। अच्छा, मेरा हथ रटिया है, नहीं मैनू थोड़ी चीज़ पकाने की आदत नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ां पकांदी सां, मैनू ज़्यादा चीज़ां पकाने की आदत है। माँ जी शादी से पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत बड़े घर से आई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, और शादी के बाद जिस घर में आई वो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था और बहुत ज़्यादा लोग थे। तो उस तो बाद इन्होंने अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए, 6 बहन भाई हैं हम, इन्होंने रश ला के रखे है। तो ये है कि अम्मी को पहले दिन से बड़ी हांडी पकाने की आदत है, मतलब स्केल बड़ा हो। अम्मी को कहना कि 2 बंदों के लिए कढ़ाई बना दें तो ये मुश्किल में पड़ जाती हैं, क्योंकि हाथ शायद खुला है और हर चीज़ जो है ना वो मकदार ज़्यादा डालती हैं, तो छोटी चीज़ बनाने में अम्मी को होता है मसला। देखो जी, मछली हर घर पकती है सर्दियां नूं, ये साडे एक बड़ी अच्छी खुराक है। तो अल्लाह ताला शफा भी पाई है। ठीक है, अपने अंदाजे नाल ही मैं कभी तोल ताल के भी नहीं चीज़ा पाइया, अंदाजे नाल पानी आ। ठीक है, लाना इनू पानी दे। मैं क्या सी कि माँ जी भुख बड़ी लगी पई है और अम्मी ने कहा था कि 20 मिनटा तेरा सालन पक जाएगा। माँ जी कितना टाइम रह गया? 5 मिनट। वाह जी वाह, बस ठीक हो गया। मेरी आदत पक चुकी है। ओह सुभान अल्लाह, ऐ हो रहा है माँ जी? दम देने लगे हो जी? इधर भावे मेरा दम निकल जाए। सारी सलाफ भुख लगी है, भुख लगी है। मैंने बरीक धनिया नहीं अच्छा लगता, मोटा मोटा धनिया अच्छा लगता। बस जी, और लहसुन थोम, थोम लहसुन हां ठीक है। ओ ओदे वाले चावल नाल पकन दे, गार्लिक राइस। हां अच्छी गार्लिक थोम राइस। हजरत थोम राइस बनने लगे आज, थोम राइस। ठीक है, इसमें ज्यादा क्यों नहीं पाना। हां ज्यादा क्यों नहीं पाना। मैं सारी जिंदगी कहंदा थक गया वां, घ्यो घट पाओ, चीनी घट पाओ। डॉक्टर ने बंद ही कर दिते। हां डॉक्टर ने बंद ते घर दे डॉक्टर नु ना मन्ना। डॉक्टर जवाना नु घ्यो की आंदा है, साडी उम्र दे नु एदा थोड़ा जला के ना एदे विच ए भी चावल सफेद ही पकन दे। ठीक है, चुप कर। वैसे तो मैं कह रही थी कि जो खगा मछली होती है ना, शोरबा उसी का होता है खाने वाला, लेकिन अभी उसका मौसम नहीं आया। वो तकरीबन महीने ओहो बिस्मिल्लाह। थोड़ा जा नमक, थोड़ा जा नमक, थोड़ा ही पानी मैं चावल थोड़ी देर बाद भाई वो खाना की आया थे इधर आना तेन क्या बड़े खाना निकलती खाना। अच्छा, जो पाकिस्तानी मदर ट्रेड्स हैं वो मैं हर एपिसोड में डिस्कस करता हूँ आपसे, और आज के एपिसोड में मैं जो आपको बताने लगा हूँ, इर्तुगुल देखा करते थे हम लोग। मैंने तो उस्मान वाला पार्ट नहीं देखा, इर्तुगुल के जो जितने लतीफ़े हैं मुझे सारे याद हैं। तो जो उस्मान के सीज़न में चली है ना सीरीज़, वो मेरी बहन छोटी ने लिखी हुई थी, उसने मुझे बताई है कि जो थी ना सोफिया, उसको एपिसोड में कहती हैं वो फोजिया मार गई हूँ अगले एपिसोड में। तो कहती भी फोजिया कौन थी, अभी कौन सी फोजिया? क्रिश्चियन की बेटी होती है ना, बड़ी चुदादी सोफिया प्रिंसेस। बड़ी खुश हुई बहुत। दूसरी बात जो थी शेख अब्दाली की थी शेख अदाब अली को कहती है कि जी वो शेख अब्दाली ने उन्हें क्या दी गाली। तो जितने भी करैक्टर थे उनके अपने नाम रखे हुए थे, और जो गुंदूस था उसका नाम था गुंदूक इसी तरह अपने अपने इन्होंने नाम रखे हुए थे। और दूसरा ये कि हर सीन में इनके मुँह से ये निकलता था ऐ हुन मार देंगे। जहाँ पे इर्तुगुलिया सामान को कोई देख रहा होता था ना, ऐ हुन मार देंगे। तो ये सीन चलता रहता है। फिर वो देखते थे कि नहीं आजकल। हाँ आसमान सारा मैं उमरा करन गई तो तुर्की की एक औरत मिली मैंने उथे, तो मैंने आंदी आप कहाँ से आई हो? मैं क्या मैं पाकिस्तान से, जुबान नाल पाकिस्तान से। आंदी अच्छा, मैं क्या आप कहाँ से आई हो? आंदी मैं तुर्की से। मैं क्या तुर्की तो बहुत प्यार करते हैं, और हम भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान को। मैं गल उर्दू जो हुई थी, उर्दू जो हुई इस तरह ही उस पुछा जिमें उस पुछा मैं तो अंदाज चढ़िया मंजी डठी आराम नाल बैठे हैं। अल्लाह पाक दा शुक्र है उत्ते टाड़ी दी छां है अस बहुत दरख्त लगे ने बिच घर बैठे हैं सब जगह बड़ा मज़ा आ रहा यार बहुत मज़ा आ रहा जी सुभान अल्लाह। हाँ जी वैसे खुशबू आ रही है मच्छी मसाले की वाह जी वाह सुभान अल्लाह। रंग देख रहे हैं आप सालन का ओहो थोड़े सा ये चेक करें जी पहले अबू और मामू चेक कर लें क्योंकि मैं जो शुरू होया तो फिर इन्हें आस्ते नहीं बैठना बोल नहीं पाई ना तुसी पाई है मामू बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह क्या नज़ारा नज़ारा मज़ा माशाल्लाह जी बहुत अच्छा पकड़ा है बहुत टेस्टी है। मामू जी मैं तो कहना होना वा कि हत्थों का भी टेस्ट होंगे रेसिपी यही मैं वेख के बनावांगा ना तो नहीं निकलेगी। हाँ जी यह हत्थों का टेस्ट है फलूस का टेस्ट है ये मेरी बाजी के हत्थों का टेस्ट है। अम्मा यार मेरा ख्याल है अज रात है भी ये पंजाबी ने नहीं मनना उन्हें मैं घर जाना है लाहौर जानी मनना जानी खैर मन ही जाएगा चलो रात रात पहने आए हैं सुबह अपना लाए हैं चलो फिर किस्मत ही आन सी हम साल बाद ही आए हैं फिर बड़े कदों अल्लाह ने पता कदों वापसी होनी है। जुनेद ने एक छुट्टी ली हुई है ना हमारे साथ आया हुआ उसने कल की छुट्टी नहीं ली हुई तो अब्बा जी कह रहे हैं कि कर ला यार कल तो छुट्टी तरह मज़ा आ रहा है। अब्बा जी की यही है अशिया सबसे बड़ी कि वो गाँव आ जाएँ 2-3 दिन रहें वॉक करें टुरें फिरें सैर करन ते निकल जान। वाह यार सब गल है गाँव च मज़ा ही बड़ा है यार ये नैचुरल ब्यूटी है तो फ्रैश यार बड़ा मज़ा आता यार मैं खेतन फिरन का लस्सी मैं 2 गिलास पीती है चाहे ना पीता बाग मैं सारी पी गया। डॉक्टर मना करता है खांसी है रेशा भी होता है कोई बात नहीं